एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैं एक और ईमेल ले रही हूँ और ये जो मुद्दा है इस ईमेल में वो भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को अफेक्ट करता है, उनकी तैयारी को अफेक्ट करता है। तो ध्यान से सुनो, हो सकता है ये तुम्हारे ऊपर भी लागू होता हो। तो ईमेल क्या कहता है, ईमेल में लिखते हैं कि मैं जो है एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में हूँ और हम दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है कि तैयारी करते समय मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पा रही है, उसके चांसेस ज्यादा हैं और वो ज्यादा मेहनत भी कर रही है और उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है और उसका जो टैलेंट है, जो उसके कैपेबिलिटी है, उससे मुझे लगता है कि वो तो जरूर क्वालिफाई कर जाएगी। और मुझे अपने बारे में ये श्योरिटी नहीं है, मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन शायद मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ और इतना ध्यान नहीं दे पाता, तो मुझे लगता है कि कभी मेरा सिलेक्शन शायद ना भी हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मुझे ये भी लगता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया तो मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा सा एक मेल ईगो है जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड तो आईएएस बन गई और मैं नहीं बन पाया, तो मैं क्या करूं। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? आपने सारे जवाब तो खुद ही दे दिए। मतलब कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम साथ में तैयारी कर रहे हो और अब तुम्हें ये लगता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, यही कह रहे हो ना? तो तुम आज ही छोड़ दो ना, क्योंकि अगर इतना बड़ा मेल ईगो है लेकिन उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो तुम ये सोचते कि मेरी गर्लफ्रेंड क्रैक करने वाली है आईएएस, तो मैं भी मेहनत डाल के, मैं भी हिम्मत करके, मैं भी अपना हार्डवर्क करके क्रैक करूं और उसके लायक बनूं। तुमने तो कहा कि ठीक है, अगर ये नहीं बनी तब तो ठीक है, हम दोनों तैयारी करते रहेंगे 2-4 साल और, लेकिन अगर ये बन गई तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी लड़की जो इतनी टैलेंटेड है, तुम खुद कह रहे हो कि वो क्वालिफाई कर सकती, तुम उसके लायक नहीं। पहले जाओ अपनी मेल ईगो को संभालो, किसी लायक बनो, कुछ करो, फिर ऐसी लड़कियों की कामना करो जो कि आईएएस बनने का बूता रखती है। दूसरी बात यह है कि मुझे एक चीज समझ में ही नहीं आई कि तुम्हें अपने अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम क्या चाहते हो? जिस लड़की से सपोजिटली तुम प्यार करते हो उसकी तुम तरक्की भी नहीं देख सकते हो, बहुत ही हल्के इंसान निकले। मेरा ऐसा कहना है कि तुम उस लड़की को भी छोड़ दो और यूपीएससी की प्रेपरेशन को भी छोड़ दो, यहाँ पे सवाल कुछ है ही नहीं। क्या करो, प्रिपेयर भी मत करो और लड़की को भी छोड़ो, कम से कम वो तो आगे बढ़े। और एक चीज मैं बता दूं, इस भ्रम में मत रहना कि तुम दोनों साथ तैयारी कर रहे थे, एक रिलेशनशिप थी, तो जब वो आईएएस बन जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि बन जाएगी, तो वो इस बात को रिग्रेट करेगी कि तुमने उसे छोड़ दिया। वो नहीं करेगी, उसको बहुत 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 सारे और लड़के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो भूल जाएगी। तब क्या होगा तुम्हारी मेल ईगो का? तो या तो तैयारी में जुट जाओ, उसके लेवल पर आओ, नहीं तो उसको भी छोड़ो और यूपीएससी को भी। तो ये था मेरा फ्रैंक एडवाइस टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर तुम्हें भी अपनी कोई बात पूछनी है तो तुम मुझे ईमेल लिख सकते हो anupmayupscmentor@gmail.com और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं सॉल्व करती हूँ वो सारी प्रॉब्लम्स जो कोई और नहीं करता।